नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। अब बात रेल मंत्री के रौद्र अवतार की करेंगे। संसद में कल जब रेल मंत्री बोलने को खड़े हुए तो विपक्षी नेताओं ने उन्हें रेल मंत्री कह दिया। बस फिर क्या था, रेल मंत्री भड़क उठे, विपक्ष पर सवालों की बौछार कर दी। साफ कहा कि वो रील बनाने में नहीं बल्कि काम करने में यकीन रखते हैं। साथ ही उन्होंने विपक्ष को अपने कार्यकाल को याद करने के साथ साथ अपने ग्रेवा में झांकने तक की नसीहत दे डाली। 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र हर दिन हंगामा पर रहा। पहले दिन से लेकर अब तक हर दिन पक्ष और विपक्ष की तकरार जोरदार हो रही। कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से लोकसभा में गुरुवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लोको पायलट और रेलवे में क्या काम हो रहा है उसके बारे में बताने के लिए खड़े हुए। रेल मंत्री रेलवे में किए जा रहे सुधार और लोको पायलट को लेकर बनाई गई व्यवस्था के बारे में सदन को बता रहे थे। तभी किसी विपक्षी सांसद ने उन्हें रेल मंत्री कहकर ताना मारा। ये सुनकर आमतौर पर शांत रहने वाले अश्विनी वैष्णव भड़क गए और उन्होंने फटकार लगाते हुए चुप बैठने की हिदायत दे डाली। साथ ही कहा कि हम रील बनाने वाले लोगों में से नहीं बल्कि काम करने वाले लोगों में से हैं। ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना। बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है। हमें अध्यक्ष जी हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है, कुछ भी बीच में बोल देते हैं। दरअसल शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने 30 जुलाई को कहा था, हम हर दूसरे दिन पढ़ रहे हैं कि ट्रेन डीरेलमेंट हो रहा, लोगों की जान चली जाती है और उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाती। रेल मंत्री अपने प्रचार में व्यस्त है, वो रेल बनाने में व्यस्त है। ट्रेन हादसे हो जाते हैं, जाने चली जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। रेलवे मंत्री अपने प्रचार में व्यस्त हैं, वो देखते हैं कैसे रेल मंत्री की जगह मैं रील मंत्री बन जाऊं, इंस्टाग्राम रील्स बनाऊं और अपनी वाभी वाल लूटूं। सारा जो वहां की रेलवेज का बजट है, मुझे तो लगता है उसका 30% तो इनकी प्रचार में ही जाता है। देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे रेलवे मिनिस्टर हैं जहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जाती है। कोई पार्लियामेंट में हम चर्चा करना चाहते हैं अंडर 267, वो चर्चा हमें होने नहीं देते हैं। छोटे से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल। उधर संसद में रेल मंत्री ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। रेल मंत्री ने पिछले 10 सालों के मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पेश किया। रेलवे में भर्ती को लेकर उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। पिछले 10 वर्षों में अगर रिक्रूटमेंट की बात करें अध्यक्ष जी, 2004 से 14 का यूपीए का कार्यकाल मात्र 4,11,000 रिक्रूटमेंट इन्होंने किया था रेलवे में। और माननीय अध्यक्ष जी, 2014 से 2024 में एनडीए के 10 वर्षों में 5,02,000 रिक्रूटमेंट हुआ। उधर कांग्रेस ने देश में लगातार हो रहे ट्रेन हादसे को लेकर मोदी सरकार और रेल मंत्री को घेरने की कोशिश की। साफ कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में ट्रेन हादसों की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि जिस पर रेलवे ट्रैक बनाने की जिम्मेदारी है उसने 1 इंच भी हरियाणा में रेलवे ट्रैक नहीं बिछाया। उधर गौरव गोगोई ने अश्विनी वैष्णव को डीरेल मंत्री तक करार दे दिया। उन्होंने सदन में जवाब देते हुए कहा कि रील बनाने वाले एक सदस्य वो कैसे बात कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी रेल बिछाने की हो और जिन्होंने 1 इंच भी रेल ना बिछाई हो। हरियाणा जैसे प्रदेश में हम मांग रहे हैं रेल, 3 रेल की लाइन हमारी मंजूर है, 1 इंच भी रेल की लाइन नहीं बिछी पिछले 10 वर्षों में। जिन्होंने रेल ना बिछाई हो, जिन्होंने रेल ना चलवाई हो, वो रील की बात कर रहे हैं। ये मंत्री जी का जो आज वक्तव्य था वो अहंकार का प्रतीक था, हम निंदा करते हैं। लगभग 2 महीनों के अंदर 4 मालगाड़ी डिलेल हुए, लगभग 14 भारतीय नागरिकों की मृत्यु हुई और लगभग 70,00,000 लोग घायल हुए। इसके पश्चात भी आज रेलवे मंत्री ने किसी भी प्रकार का नैतिक जिम्मेवारी नहीं ली। हम विपक्ष पर आरोप लगाया, विपक्ष को धमकाने की कोशिश की और अपनी जो नैतिक जिम्मेवारी लेकर जो खुद इस्तीफा देना चाहिए वो उन्होंने काम नहीं किया। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर रेल मंत्री को घेरते हुए रेल हादसों के आंकड़े जारी किए। लिखा, 26 मई 2014 गोरखधाम एक्सप्रेस में 25 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल।
20 मार्च 2015 जनता एक्सप्रेस, 58 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा घायल। 20 नवंबर 2016 इंदौर पटना एक्सप्रेस वे, 150 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा घायल। 21 जनवरी 2017 हीराखंड एक्सप्रेस, 41 लोगों की मौत, 68 से ज्यादा घायल। 18 अगस्त 2017 पुरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस, 23 लोगों की मौत, 60 घायल। 23 अगस्त 2017 कैफियत एक्सप्रेस, 70 लोग घायल। 10 अक्टूबर 2018 न्यू फरक्का एक्सप्रेस, 7 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा घायल। 3 फरवरी 2019 सीमांचल एक्सप्रेस, 7 लोगों की मौत, 37 घायल। 13 जनवरी 2022 बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस, 9 लोगों की मौत, 36 घायल। 2 जून 2023 बालासोर रेल हादसा, 296 लोगों की मौत, 900 से ज्यादा घायल। 11 अक्टूबर 2023 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, 4 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। 17 जून 2024 कंचनजंगा एक्सप्रेस, 15 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा घायल। 18 जुलाई 2024 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, 4 लोगों की मौत, कई घायल। 30 जुलाई 2024 हावड़ा मुंबई में 2 लोगों की मौत, कई घायल। इन आंकड़ों को जारी करते हुए कांग्रेस ने मोदी सरकार से सवाल किया कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उधर रेल हादसे पर रेल मंत्री ने पलटवार करते हुए विपक्ष को अपने गिरेबा में झांकने की नसीहत दे डाली। अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं, वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए, क्यों नहीं लगा पाए 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखे, अपने गिरेबान में जाके, अपने गिरेबान में पहले झांक के बताए। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर कितनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं, क्या ये बात। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने रेल हादसों को छोटी सी घटना तक करार दे दिया। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। संसद में विपक्ष लगातार हमलावर है। 10 साल में ये पहला मौका है जब विपक्ष मजबूत होकर सदन पहुंचा है। ऐसे में वो कोई मुद्दा नहीं छोड़ना चाहता। वही सवाल ये है कि पिछले 10 सालों में हुए ट्रेन हादसे की जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी तो कौन लेगा। ऐसे में विपक्ष को जवाब देने की जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं बनती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।